Hey guys, welcome back to our video. This is Pratish here. This is Bhavika. So, आज का वीडियो फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है. हमने बहुत टाइम से ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया ना, तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स था कि यूएस में आके खर्चा कितना होता है कितना पैसा चाहिए आपको एक महीना निकालने के लिए, रेंट ग्रोसरी सब मिलके कितना खर्चा होता है, क्या क्या हिडन एक्सपेंसेस है, वो सब जानने थे लोगों को. और हाँ, तो हमने सोचा हम अभी काफी टाइम से इधर है तो हमें भी आइडिया हो गया कि कितना खर्चा हो रहा है मंथली. 7-8 महीने हो गए तो आइडिया आ रहा है कितना खर्चा हो रहा है. तो आज आपको बस वही बताएंगे कि मंथली कितना खर्चा होता है. अगर कोई ट्रिक्स है खर्चा बचाने की तो हम थोड़ी बहुत वो भी शेयर करेंगे आपके साथ. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. और एक और चीज़, आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना. ये रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा उसको दबा देना, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी नहीं लगता है और वो आपको कॉस्ट में ऐड नहीं होगा मंथली. और लाइक शेयर कमेंट हमारे वीडियोस पे, हमें बताइए हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, आप कौन से नए वीडियोस देखने चाह रहे हैं, वो भी आपको क्वेश्चन या कुछ भी तो कमेंट करके जरूर बताना. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. हाँ, सबसे पहले सबसे मेजर खर्चा है जो आप हम बैठे ना घर, इज द बिगेस्ट खर्चा, मतलब सबसे बड़ा खर्चा तो यही है. कितना ज़्यादा होएगा रफली, 1500 से $2000 कुछ जाता है ना. अगर 1 बेडरूम आपको अपार्टमेंट लेना है तो रफली $1500 to $2000 जाता है. ये अभी बहुत बढ़ गया है, मतलब ये कोविड के पहले तो काम था, इससे कोविड के बाद से ये बहुत ज़्यादा शूटअप हो गया है और मुझे नहीं लगता अब ये काम होने वाला है. तो $1500 तो गिन के रखो कि इतना जाएगा. 1500 भी एकदम बॉटम है 1 बेडरूम के लिए. और अच्छे आप प्लस यूटिलिटीज अलग होती है, जैसे कि लाइट बिल, गैस बिल, वाटर बिल, ट्रैश बिल, ये बिल, वो बिल, फलाना ढिमकाना, वो सब अलग आएगा. तो ये सिर्फ रेंट था, रेंट आपका 1500 पकड़ लो, 1500 इज योर रेंट. फिर नेक्स्ट आएगा जैसा भाविका ने बोला यूटिलिटीज. तो यूटिलिटीज में अब क्या क्या आएगा, आपका लाइट बिल हो गया, फिर वाटर बिल भी आता है यहाँ पे, कचरा जो फेंकते हैं उसका ट्रैश का भी बिल आता है, ये सब बिल आते हैं अलग अलग. कहीं कहीं पे तो पार्किंग का भी बिल आता है. पार्किंग का भी बिल आता है कहीं कहीं जगह, आपके पास कार है तो कार पार्क करना तो वो भी बिल आता है. तो हमारा वाटर बिल और ट्रैश सब मिलके तो कुछ $50 आई थिंक हर जगह उतना ही आता है, $50 कुछ आता है. और ये बहुत सोसाइटीज में इंक्लूडेड भी होता है रेंट में. तो 50 हो गया. फिर अपना लाइट बिल वेरी करता है, अभी आप कितना यूज करते हो एसी या हीट, तो ये $100 to $120 के बीच में वेरी करता है. अब अगर अगर इसमें एक ट्रिक भी, अगर आपको पैसे बचाने तो समर में क्या करते हैं, टावर फैन मिलते हैं यहाँ पर $40-$50 के, वो ला के रख दो तो उससे यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा. सेंट्रलाइज एसी और हीटिंग होता है, जैसे कि अपन बेडरूम में तो हॉल किचन वगैरह पूरा एसी चालू रहेगा या हीटर चालू रहेगा. तो अगर आप पोर्टेबल एक छोटा सा टावर फैन या हीटर लगाएंगे तो आप जो रूम में वहीं पे चालू करो एसी, मतलब वो फैन चालू करोगे तो आपको हर जगह जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे लाइट बिल थोड़ा कम आ सकता है. बट $100 तो ये जाएगा ही, तो 100 ही हो गया. $50 कुछ अपना वो हो गया वाटर और उसका ट्रैश, तो $150 तो यूटिलिटीज लगना ही है, है ना. उसके बाद आएगा आपके मेन इम्पोर्टेंट चीज़, वाईफाई हो गया और मोबाइल प्लान, ठीक है. तो ये दो है. कितना लगता है वाईफाई का? $30 नहीं. तो वाईफाई यहाँ पे बहुत महंगा, मतलब इंडिया में तो क्या 5000 रुपीज में पूरे साल का मिल जाता है अच्छा स्पीड, लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्लान है वो सबसे सस्ता है, विच इज़ $40 अ मंथ, वो भी 2 साल के, उसके बाद वो बढ़ने वाला है क्योंकि ऑफर पीरियड था इसलिए हमें मिल गया. लेकिन वाईफाई का $40 to $60 में वेरी करता है ये एक वाईफाई. और मोबाइल प्लान भी पर पर्सन $30 कुछ होता है, $25 to $30 अगर अच्छा प्लान ले रहे हो, अच्छे कैरियर के साथ अनलिमिटेड प्लान ले रहे हो तो. हाँ, तो 30, 30, 60 और वाईफाई का हम 40 देते हैं, तो 100 ये ही गया. तो अपना रेंट था 1500, यूटिलिटीज हो गए 150 और मोबाइल और वाईफाई हो गया मिल के 100 हो गया. तो ये तीन तो मतलब अब तक तो एसेंशियल खर्चे ही बोल रहा हूँ. अब तक हमने कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट वो सब सेक्शन पे तो पहुँचे भी नहीं है ये मिनिमम. नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्रोसरी. अभी घर आ गया, किचन है तो खाना तो चाहिए ना बनाने के लिए, तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग ग्रोसरी. तो ग्रोसरी अभी दो लोग हैं हम, तो ग्रोसरी
$300 to $350 में हो जाती है हमारी। हमने ये वीडियो हम बहुत पहले बनाना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा कि एक बार पूरा ट्राई कर लें मंथली कितना कितना होता है, तो उससे आइडिया आएगा एवरेज कितना होता है। तो $350 आई थिंक इज वेरी गुड फॉर ग्रोसरी, इससे ज़्यादा मैं मैक्सिमम 350 हो जाता है। हाँ, अब $350 में पूरी ग्रोसरी आ जाएगी महीने की, तो ये ग्रोसरी का हो गया। और क्योंकि सब रेट्स भी बहुत बढ़ गए अभी, तो मतलब इन्फ्लेशन ऐसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है हमें ग्रोसरी स्टोर में जाके सब प्राइजेस इतने हाई हो गए। मतलब हम लोग आके भी 6-7 महीने हुए, पर जो डिफरेंस आया है प्राइजेस में तभी का और अभी का बहुत ज़्यादा ही है। तो हाँ, बट अभी हमारा 350 के आसपास हो जाता है। नेक्स्ट है हाउस होल्ड खर्चे। अभी हाउस होल्ड मतलब सामान लाते हैं घर के, जैसे अभी लॉन्ड्री डिटर्जेंट लाया, फिर टिश्यू पेपर हो गया, टॉयलेट पेपर हो गया, कोलगेट मतलब टूथब्रश टूथपेस्ट, बेसिक नेसेसिटीज जो होती है ना, मतलब टॉयलेटरीज की वो सब, तो उसका खर्चा आई थिंक मंथली $50 हो जाता है। हाँ, मैक्सिमम 50 होगा, आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा होगा, बट 50 में पूरा हो जाएगा आपका ये। तो ग्रॉसरी और हाउस होल्ड खर्चा मिलकर घर का खर्चा $400 में पूरा घर चला सकते हो बेसिक। तो ये हो गया अपना ग्रोसरी हो गया, हाउस होल्ड हो गया। अभी नेक्स्ट मेजर खर्चा इज ट्रैवल। ट्रैवल है तो इसमें आपका कार आ जाएगी। तो बेसिकली अभी आप कैसे ट्रैवल करोगे यहाँ पे US में करोगे, तो कार इज अ मस्ट। हम लोग ने तो अब तक नहीं ली, हम कितने 6-7 महीने निकाल लिए, हम ऊबर में ही चला रहे हैं। तो ऊबर में भी हमारा $300-350 तो चला ही जा रहा है, बट हाँ जब मैंने थोड़े बहुत फ्रेंड से बात की तो हमने कार का भी एक एस्टिमेट निकाला कितना होता है, तो हमें पता चला कि कार का कुछ 700 अ मंथ हो जाता है। मतलब कार का कुछ मंथली अगर आपने बाइक या लीज कर लो तो 400-450 में अच्छी कार आ जाती है। इंश्योरेंस लग जाता है आपका 100-150, तो ये 600 होगा। $100 का आपका फ्यूल चला जाता है, तो 700-750 लिख देता हूँ। डिपेंड्स अपॉन द कार और ड्राइविंग हिस्ट्री, उस पे इंश्योरेंस मिलता है और कार का लीज कितना आता है। कम से कम आपको 750 तो चाहिए ही होगा इससे। आप अभी इसको जितना बढ़ाना बढ़ा सकते हो, आप लग्जरी कार ले लो या कोई, लेकिन बेसिक नीड्स पे 700-750 में आपका ये हो जाएगा। तो आई थिंक हमने मेजर तो सब कुछ कवर कर लिया ना। यस। हाँ, अब क्या बचा? तो बाहर जाने का खर्चा, एंटरटेनमेंट। अभी इस पे तो कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं, अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन को कितना खर्चा करना है, कितना बाहर जाना है, घूमना है, खाना है, पीना है, ऑर्डर करना है। बट हाँ, ऑन एवरेज आप पकड़ लो कि आप हफ्ते में एक बार बाहर जा रहे हो, तो 1% का अभी जो रेट इतना बढ़ गया ना, नहीं $200 आपका ये एंटरटेनमेंट हो गया, प्लस आप कभी मूवीज गए या किधर गए वो सब नहीं लिखा, लेकिन मैं एकदम बेयर मिनिमम लिखा कि आपका $200 लगेगा इफ यू गो आउट एवरी वीक वंस अ वीक, ठीक है। अभी इसके बाद एक और एक खर्चा तो भूल ही गया, पता क्या है? हाँ, खाएंगे पिएंगे इतना तो कभी ना कभी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। वो तो है ही नहीं, आई होप किसी को जाना ना पड़े, बट अगर जाना पड़े तो यहाँ पे मेजर चीज इज हेल्थ इंश्योरेंस, तो बहुत ज्यादा ही है वो भी, ज्यादा है वो भी, एक मेजर एक्सपेंस है। फिलहाल अभी हम लोग दोनों ना, मतलब आपका जो भी आप कंपनी में काम करो वो थोड़ा बहुत पार्ट पे करेगी, लेकिन यू स्टिल हैव टू पे अ स्मॉल अमाउंट, तो वो हम लोग दोनों भी मंथली पर पर्सन $200 के जैसा आता है, तो ये भी 100-200 के बीच में रेंज होगा। बट कौन सा प्लान ले रहे हो, तो हमने तो बेस्ट प्लान लेके रखा ताकि कभी भी बाय चांस जरूरत हो गई तो पर वो प्लान एग्जीक्यूट करता है। हाँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस का मैंने लिखा है $400, ये मतलब ये वेरी करेगा आपका, किसी का 300 लगा, किसी का 400, बट आई थिंक हाँ आई थिंक अभी सब है ना, ये सब तो हो गया। एंटरटेनमेंट लिख दिया, कार का भी लिख दिया, अभी आप वेकेशंस लोगे तो वो सब खर्चा आपके ऊपर है अभी। हाँ, वो आप जितने वेकेशंस लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट हाँ, एक और एसेंशियल चीज इज शॉपिंग। वो बोलते हैं ना, जीने के लिए 3 चीज चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान हो गया, रोटी हो गई, कपड़े भी तो चाहिए ना। पर पर्सन अगर मुझे लगता है $25 पकड़ लो महीने के, तो ये मतलब 50 के हिसाब से $300 हो गया पर पर्सन साल के,
विच इज गुड इनफ फॉर अ ईयर शॉपिंग. अभी आप लग्जरी ब्रांड या वो सब खरीदोगे तो वो तो हजारों डॉलर में खर्चा चला जाएगा, उसका तो कुछ नहीं बोल सकते. बट या आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स. अभी हम आपको वो पूरा सम अप करके बता दो कितने पैसे चाहिए आपको यहाँ पे एक महीना अच्छे से निकालने के लिए. ठीक है, इसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो इंक्लूड नहीं किए, जैसे आपको नेटफ्लिक्स से ही होगा एंटरटेनमेंट के लिए और Amazon Prime से ही होगा. हर एक प्लेटफॉर्म का बायआउट करना पड़ता है और सभी बहुत एक्सपेंसिव है. वो भी लिखते हैं, वो भी लिखते हैं ना कि स्ट्रीमिंग खर्चा भी होगा ना, वो भी $50 OTT का हो जाएगा आपका महीने का. तो उसमें नेटफ्लिक्स आ गया आपको $10 का, डिज्नी, HBO, ये सब मिलकर $50 आपका महीने का चला जाएगा. आप इस पर कट डाउन कर सकते हो, बट अभी मैं आपको पूरा खर्चा दिखाता हूँ. तो रेंट इज 1500 प्लस ग्रॉसरी 350, तो ये अपना हो गया 1850. यू फिर यूटिलिटीज आएगी अपनी 150, तो ये 2000 तो घर घर में चला गया. प्लस अपना हेल्थ इंश्योरेंस 400 2400, वाईफाई और मोबाइल प्लान $100, 2500 ही हो गया, $2500 तो चले गए. प्लस 750 अपने गाड़ी के, तो कितने हो, $3,250 तो हो गए $3,250. घर के खर्चे जो टॉयलेटरीज और सब बोला था तो 3300 ही हो गए. एंटरटेनमेंट के 200 3500. और ये दो लास्ट चीज़ ऑप्शनल थी, मतलब ये आपके ऊपर है स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म आपका शॉपिंग से, ये तो उसका $100 और पकड़ लो तो 3600 हो गया. इतना तो लगना है, मतलब 3600 को आई थिंक कन्वर्ट करोगे तो वो 3 लाख रुपए हो जाता है. दिस इज बेसिक, आपको इतना चाहिए होगा. आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब 20-30 हज़ार, मतलब $200-$200 ऊपर नीचे कर सकते हो मेरे हिसाब से. किधर बचा सकते हैं, गाड़ी थोड़ी अगर सस्ती ले ली तो उसमें थोड़ा पैसा बचा सकते हो. जैसे हमने बचा, हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हम 350 में ही कर लेते थे पूरा महीने का, वो भी एकदम ओवर जाते थे बाहर. तो ऐसे कट डाउन कर सकते हो. फिर OTT की अगर आपको ज़रूरत नहीं तो वो सब कट डाउन करके आप 3000 तक ला सकते हो. बट या इफ़ यू नीड अ गुड लाइफ स्टाइल योर यूनिवर्स, तो 3500 तो आपका इज मिनिमम कॉस्ट. प्लस उसके ऊपर आपके ट्रैवल्स आएंगे और भी एंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीज़ें, कहीं घूमने जाने हैं वो ये सब हो गया, आपको कभी मूवी जाना है तो वो सब भी हमने इंक्लूड नहीं किया. बट हाँ, 3500 to 4000 इतना पकड़ के चलो मंथली कॉस्ट आपका होने वाला है. हाँ, और कुछ मिस किया? और छोटे मोटे खर्चे तो आते रहते हैं, मतलब अभी आपके पास गाड़ी, कभी गाड़ी ख़राब हो गई तो उसका खर्चा आ जाएगा, कभी खाना हफ्ते में एक दिन की जगह हफ्ते में 3 दिन बाहर खाने का मन हो गया, या फिर नए फ़ोन लेने हो गए हम, जैसे हमारे लिए ब्लॉगिंग का इक्विपमेंट लेना हो गया, तो ये सब खर्चा तो आता रहेगा. बट वी हमने ये बताने की कोशिश, हाँ मैनेज कर ले, हमने ये बताने की कोशिश की आपका कितना असेंशियल चीज़ों के लिए खर्चा चाहिए US में. हमने सब बहुत लोगों से डिस्कस भी किया, तो हर कोई यही बोला था 3500 इज अ गुड नंबर इफ यू फॉर टू पीपल. हाँ, यही अगर आप अकेले आ रहे हो एज अ स्टूडेंट या यही, तो आपका घर का खर्चा भी रेंट जो है 1500 से आधा हो या कम भी हो सकता है. वो 500 तक भी आप ला सकते हो अगर 3 लोग एक घर में रह रहे हैं तो साथ में, तो वो सब कट डाउन कर सकते हो. यूटिलिटीज भी आपकी हाफ हो जाएगी, डिवाइड करोगे वाईफाई OTT वो सब भी हाफ हो जाएगा, ग्रॉसरी भी आपकी आधी हो जाएगी. तो ये सब है, ऐसे कट डाउन कर सकते हो. बट आई थिंक पर पर्सन $1700 to $2000 हमने बताया, इतना लग रहा है हमें. तो दो लोग का कुछ 3500 to 4000 ये हो गया बस. तो यही था, आपको क्या लगता है अगर आपने कुछ मिस किया है इसमें से असेंशियल चीज़, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसका भी खर्चा आपको बताने की कोशिश करेंगे. हमें जितना अभी टॉप ऑफ द माइंड याद आया ना, सब ऑलमोस्ट सब इंक्लूड कर, कुछ बाकी तो नहीं है. हाँ, तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही. अच्छा, जाने से पहले मैं आपको, जैसे मैंने आपको एक टिप बताई ना हीटिंग का, कैसे मतलब लाइट बिल कैसे कम कर सकते हो, तो ऐसे और भी तरीके जिससे आप पैसे बचा सकते हो. पहला तो ये हीटिंग का ही है. आप ट्राई करो कि आप समर्स में टावर फैन ला के रख ही दो, वो एक महीने का आपको फर्स्ट टाइम कॉस्ट करेगा $40 या $50. बट आप हमारा बिल है ना, आप मानोगे 130 सामान से सीधा 60-70 पे आ गया था हमने जब वो टावर वैन पे स्विच किया, तो इतना फर्क पड़ गया था. और विंटर में भी है, छोटा सा हीटर ला लो. बट यहाँ विंटर में एक चीज़ है कि यहाँ पे क्या है, घर का टेम्परेचर 60 फ़ारेनहाइट या 65 से कम नहीं होना चाहिए. तो आपका घर का हीटिंग तो चालू ही रखना पड़ेगा, वरना क्या पाइप बर्स्ट हो जाते हैं. तो वो एक माइंड में रखना, एक्सट्रीम हीटिंग नहीं होगी. हाँ, एक्सट्रीम हीटिंग नहीं होगी. बट यहाँ वो हीटर भी एक चीज़ है,
ग्रोसरी भी आप कॉस्को या ऐसी जगह से बल्क में ला लो, या पटेल वटेल कहीं भी जा रहे हो सेल का वेट करो, जहाँ पे भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। जब हमने भी आई थिंक दिवाली के समय पूरा स्टॉकअप करके रख दिया था, तो ग्रोसरी में आप ऐसे बचा सकते हो। सेम फॉर टॉयलेटरीज, वो भी कॉस्को या किधर वॉलमार्ट वालों ने बल्क में उठा सकते हो, तो उधर कट डाउन हो जाता है, और पूरे मतलब अगर 3 मंथ का 6 मंथ का इकट्ठा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम गोज फॉर कार के लिए, अगर आप नए आ रहे हो ना, तो आई वुड रिकमेंड कोई लग्जरी कार में जाने की जरूरत नहीं है। एक पुरानी सी कार ले लो जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाएगी, एक साल चलाओ, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा यहाँ पे चलाने में, उसके बाद ही नई कार लो। क्योंकि क्या होगा, आप नया हो गए, आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री यूएस में कुछ होगी नहीं, तो इंश्योरेंस बहुत महंगा आएगा नई कार पे, क्योंकि आपको फुल कवर लेना पड़ेगा। वही अगर आप पुरानी कार लोगे तो आपको फुल कवर लेने की जरूरत भी नहीं है। एक तो आपका कार का कॉस्ट काउंट होगा और इंश्योरेंस भी कम होगा, तो ये भी एक तरीका है। ऐसे आप आओगे इधर रहने आओगे ना अगर, तो आपको और भी हैक्स पता चलेंगे कैसे पैसे सेव करते हैं, ये सब खुद ही फिगर आउट करने लगेंगे। हाँ। कि कट डाउन कैसे हो सकता है। हाँ। बट या, बस और हमारी जरूरत हो तो हम तो है, कमेंट करके कभी भी क्वेश्चन पूछ लेना, हम आंसर करने की फुल कोशिश करेंगे। मतलब अगर हमें स्टूडेंट लाइफ स्टूडेंट वे ऑफ का मतलब एक्सपेंस का आइडिया, तो हमारे फ्रेंड इज इनकम पूछ के आपको आंसर कर सकते हैं, बट जो भी है कॉमेंट करके पूछ लेना। तो या आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई। अभी हम सोच रहे हैं कि 2-3 वीडियो ऐसे इन्फॉर्मेटिव भी बनाए, और बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ भी आने वाले वीडियो में, तो 1-2 वीडियो भी वेट करो, आपको बहुत जल्द एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, तो उसके लिए भी वेट करना, गेस करो कमेंट में क्या होगी वो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब। ओके, चलो 4 बार तो चलो चलो बोल रही तो चलो चलो ही बोलता हूँ वीडियो में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।